क्या आप प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा कर सकती हैं, बाहरी सामान उठा सकती हैं? अक्सर महिलाओं में क्वेरी होती है। कई महिलाएं कहती हैं शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी प्रेगनेंसी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ अंकिता और यहाँ इस तरह के बहुत सी वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों जब भी हम बेबी कंसीव करते हैं तो महिलाओं के मन में बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, और अक्सर आपने हमारी दादी नानियों से कहते सुना होगा कि आपको उकड़ू करके नहीं बैठना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों जिन महिलाओं के कुछ प्रॉब्लम होती है, मिसकैरेज होते हैं, तो इन चीज़ों का भी उसमें कहीं ना कहीं कई बार रोल होता है। वैसे मिसकैरेज के बहुत सारे कारण होते हैं जो मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उनकी कोई मिसकैरेज हिस्ट्री नहीं है, वो एकदम फिट एंड फाइन है, तो वो बैठ के भी झाड़ू पोछा कर सकती हैं और खड़े होके भी झाड़ू पोछा कर सकती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, जिन महिलाओं के या तो एक दो मिसकैरेज पहले हो चुके हैं या फिर जिनकी मिसकैरेज फैमिली में या उनकी मदर के मिसकैरेज हिस्ट्री रही है, या फिर वो फिज़िकली बहुत वीक हैं, या फिर वो जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के स्कैन कराने जाती हैं और उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, तो ऐसी महिलाओं को बैठ के शुरुआती जो तिमाही होती है पहले 3 महीनों में झाड़ू पोछा लगाना अवॉइड करना चाहिए। अब भारी सामान उठाने की अगर बात करूं तो दोस्तों भारी सामान तो किसी भी महिला को प्रेगनेंसी में नहीं उठाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ खिसकानी नहीं होती है बहुत ज़्यादा झटके से, और बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज़ आपको नहीं उठानी होती है, वो तो हर महिला के लिए नुकसानदायक रहती है। लेकिन झाड़ू पोछा एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको पहले मिसकैरेज हिस्ट्री रही है या आपको कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, तो पहली तिमाही में तो आप बिल्कुल नहीं करें। धीरे धीरे आप दूसरी तिमाही में कर सकती हैं। अब उन महिलाओं के लिए जिनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो आप खड़े खड़े झाड़ू पोछा कर सकती हैं। आजकल दोस्तों पोछा भी आपको आराम से खड़े खड़े आप लगा सकती हैं, इस तरह के मार्केट में खूब अवेलेबल हैं, और साथ में आप झाड़ू भी खड़े खड़े कर सकती हैं। खड़े खड़े करने में तो कोई रिस्क नहीं है। अब बात आती है तीसरी तिमाही की। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जा रही है उनके लिए तीसरी तिमाही में बैठ के पोछा लगाना बहुत लाभदायक होता है। उनकी जो पेल्विस मसल्स होती हैं वो खुलती हैं, और साथ में उनको एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज इससे होता है। बैठ के अगर आप तीसरी तिमाही में झाड़ू पोछा करती हैं तो ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम रही है पूरी प्रेगनेंसी में, आपके पहले मिसकैरेज हिस्ट्री हुई है, तब तो आप तीसरी तिमाही में भी अगर आप बैठ के झाड़ू पोछा करना चाहती हैं, इस तरह की कोई एक्सरसाइज आप चाहती हैं कि आप करें, तो फिर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब बात आती है जिन महिलाओं ने कभी झाड़ू पोछा नहीं किया है, जो शुरुआत से मेड रखती हैं, तो क्या उन महिलाओं को तीसरी तिमाही में बैठ के करना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं करें। इसी के साथ आपको प्रिकॉशंस क्या रखना है कि आपको अकेले झाड़ू पोछा नहीं करना है, आपके आसपास कोई हो उसी टाइम आपको करना है, चाहे आप बैठ के कर रही हैं चाहे आप खड़े खड़े कर रही हैं। स्पेशली बैठ के कर रही हैं तो आपको अकेले रिस्क नहीं लेना है, कई बार ये रिस्की हो जाता है। अगर आपके ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी आपको थोड़ा सा बैठ के तीसरी तिमाही में भी झाड़ू पोछा करने के लिए थोड़ा सा बचना चाहिए, या इससे पहले आपके प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग रही है या आपके बच्चेदानी का मुँह छूटा है, इस तरह की कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, तब भी आपको फिर बैठ के झाड़ू पोछा करने से बचना चाहिए। या फिर आपकी प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग होती है, तो ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक महिला में कई बार प्रेगनेंसी में होती हैं, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी फिट जा रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से झाड़ू कीजिए, पोछा कीजिए, आराम से रिलैक्स करके रेस्ट करके धीरे धीरे कीजिए, और प्रॉब्लम है तो फिर अवॉइड करिए और लास्ट में डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए।